हे गाइस, वेलकम टू टर्बोड्राइव। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। आप जो काफ़ी टाइम से रुके हुए हो अबाउट द न्यू ब्रेजा, आज मैं आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला हूं। डिटेल्स यहां पे आपको भर भर के मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है संजीव और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू विटारा ब्रेजा के बारे में इन ए लॉट मोर डिटेल। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो इनटू द वीडियो। अगर आप मारुति सुजुकी को फॉलो अप करें तो ब्रेजा लॉन्च हुई थी 2016 में। उसके बाद 2020 में इसको एक अपग्रेड आया था। अपग्रेड तो इसको मैं नहीं कहूँगा, अपडेट कहूँगा। 2016 में जो मॉडल थी वो डीजल थी, 2020 में इसको पेट्रोल इंजन दे दिया गया। और फीचर्स ज़्यादा कुछ चेंजेस ना करते हुए ओनली हेडलैम्प और टेल लैम्प में थोड़ा बदलाव किया गया। इसके अलावा और कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। अगर आप ब्रेजा देखते हैं आज के तारीख में, ये बहुत मार्केट में बिकती है, मगर इसमें अभी भी बहुत कुछ मिसिंग है। लगता है मारुति इस बार इसको समझ चुका है। मारुति इसमें बहुत फीचर्स लाने वाला है, डिजाइन इसकी पूरी तरह से चेंजेस होने वाली है, टेक्नोलॉजी भी इसमें पूरा अलग मिलने वाला है। सो एक एक करके एलिमेंट कवर अप करते हैं ताकि आपको पूरा क्लैरिफाई मिल पाए। ओके, तो पहली बात यह है कि इसका प्लेटफॉर्म बदल दिया जाएगा। होपफुली जो करंट विटारा ब्रेजा उससे एक्सपेक्टेड है कि इसका प्लेटफॉर्म बदल के हाईटेक कर दिया जाए या फिर यही प्लेटफॉर्म रिटर्न किया जाए। इन दोनों में से एक चीज़ किया जा सकता है, मगर इसका डायमेंशन उतना भी ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। अभी भी गाड़ी 4 मीटर से छोटी रहने वाली है, तभी तो इसको टैक्सेशन के बेनिफिट मिलेंगे। इसको मारुति को रिटर्न करना ही पड़ेगा। ओवरऑल आपको 200 mm तक ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, 16 इंच के टायर दिए जा सकते हैं इसमें, नई DRL दिए जाएंगे इसमें, प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाएंगे, साथ ही LED टेल लैम्प भी आपको इसमें एक्सपेक्टेड है। इसके इमेजेस हाल ही में लीक हुए हैं। इसका फ्रंट देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि DRL इसका अलग टाइप से दिया गया है, साथ ही ग्रिल्स भी पूरा बदल दिया गया है। टेल की तरफ नोटिस करेंगे तो इसका टेल लाइट भी पूरा नैरो कर दिया गया है। समवाट ये मुझे याद दिलाता है निशान मैग्नाइट की, और अब ये मारुति विटारा ब्रेजा नहीं ओनली मारुति ब्रेजा कहलाएगा। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि गाड़ी की जो ओवरऑल स्टाइलिंग है वो पूरा बदल दी गई है, मगर गाड़ी की जो बॉक्सीनेस अपील है वो कैरी फॉरवर्ड की गई है। फीचर्स इसमें आपको भर भर के मिलने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं सेफ्टी की। अब NCAP में क्या स्कोर होगा वो तो पता नहीं, मगर इसमें 6 एयरबैग एक्सपेक्टेड है, साथ ही ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP भी इसमें एक्सपेक्टेड है। तो मारुति की ये एक प्रॉपर सेफ्टी ओरिएंटेड गाड़ी होने वाली है, क्योंकि अभी तक तो मारुति ओनली 2 एयरबैग्स के साथ ही गाड़ी भेजता था। इस गाड़ी में सनरूफ भी आएंगे और गाड़ी की जो इंटीरियर इमेज लीक हुए हैं उसमें भी आप काफ़ी चेंजेस देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो अब इसमें आपको पैडल शिफ्टर दिखेंगे। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इमेज में ये क्लियरली मालूम पड़ रहा है। तो अब इसमें आपको मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिलने वाला है, क्रूज कंट्रोल भी इसमें आपको आएंगे, साथ ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि इसमें SOS लिखा है, यानी मारुति इस गाड़ी में अब आपको ऑफर करने वाला है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी इसमें आपको मिलने वाला है। तो नेक्स्ट चीज देखें, इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो मारुति की दूसरी गाड़ियों से अलग मालूम पड़ रहा है। टाटा की गाड़ियों के जैसा इसको डैशबोर्ड से पॉपअप किया गया है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का एक्सपेक्ट हम सबको इसमें रहेगा। तो अब इंजन ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं। ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन इसमें मारुति लाने वाला है जिसमें पैडल शिफ्टर हो? तो अभी तक की जो ब्रेजा है इसमें 1.5 लीटर की पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103 BHP मैक्सिमम पावर देता है और 138 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क निकलता है, जो कि 5-speed मैनुअल और 4-speed ऑटोमेटिक के साथ आता है। 4-speed ऑटोमेटिक के साथ पैडल शिफ्टर बात कुछ हजम नहीं हो रहा है। अगर 6-speed ऑटोमेटिक के साथ इसको लॉन्च करेंगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। मारुति भी इंडिया में कोई भी गाड़ी में 6-speed ऑटोमेटिक ऑफर नहीं कर रहा है, तो इस वजह से इसमें ऑफर किया जा सकता है CVT ट्रांसमिशन। जी हाँ, मारुति अपना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन को कैरी फॉरवर्ड करने वाला है, साथ ही 5-speed मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन इसमें ऑफर कर सकता है। तो फाइनली प्राइसिंग की बात करते हैं। देखिए, अभी तक का विटारा ब्रेजा का वेरिएंट में से ओनली ऑटोमेटिक वेरिएंट में HSVS माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम ऑफर की जा रही है। नई ब्रेजा में शायद बैटरी पैक को थोड़ा एनलार्ज कर दी जाए माइलेज थोड़ा ज़्यादा पाने के लिए। तो ये जो मारुति का माइल्ड हाइब्रिड कार से ये रेगुलर कार से 50,000 से 80,000 महंगी जाती है। ये HSVS सारे वेरिएंट्स में आएंगे या नहीं, इट्स डिफिकल्ट टू से। तो इसका प्राइस रेंज रेगुलर वेरिएंट्स की बात करें
तो बेस वेरिएंट 8 लाख ऑन रोड से शुरू होके टॉप वेरिएंट 14 लाख तक जा सकता है। अगर HSBS माइल हाइब्रिड सिस्टम दिया जाए तो आपको 50 से 80,000 तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। ब्रेजा की तरह टोयोटा भी अपना अर्बन क्रूजर को ग्रिल्स और इंटीरियर्स में छोटा मोटा चेंजेस करके इस डिजाइन को जरूर उतारने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इतना तक बने रहे तो गिव इट ए बिग थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलिएगा ऑटोमोबाइल की हर तमाम अपडेट्स पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर।